हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इनअप चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वीडियो की। यूपीएससी स्पेशल एडिशंस के अंदर ये पहली वीडियो रहेगी और हर हफ्ते आपको ऐसे वीडियो के साथ रूबरू कराया जाएगा। तो ये है हमारी पहली वीडियो जो कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या और इतना ज़्यादा ये चर्चित विषय क्यों रहा है, तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारी बात होगी स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या चीज़। स्टारलिंक प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको एक शब्द का मतलब समझाना चाहता हूँ, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है एक तरीके का एक जंजाल, एक नेटवर्क। ये बात है लगभग जनवरी 2015 की, कि स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने यह घोषणा करी कि ये एक तरीके का सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे अर्थ के ऊपर, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो कि पूरी से पू जो पूरी की पूरी तरीके से अर्थ को चारों तरफ से एक तरीके से कवरेज देगी और इसके कारण ये इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेंगे। इसी के चलते हुए इन्होंने लगभग 60 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करा अपने फाल्कन रॉकेट के साथ, जो कि 11 नवंबर की तारीख को करा। ये जो है इनके इन्होंने ऐसा कहा कि ये इसे दो ऑपरेशन में लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर लगभग ये 12,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इन्होंने पहला स्टेप बनाया है और बाकी की लगभग जो सैटेलाइट्स होंगी 30,000 और इन्होंने जो लॉन्च करनी है ये बाद में सेकंड फेज़ में लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या चीज़ और इसके पीछे का कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा ये चर्चित विषय क्यों रहा है। इससे पहले मैं आपको इस चीज़ से साझा करवाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सैटेलाइट्स जो हैं ये इंटरनेट सर्विस को किस तरीके से प्रोवाइड कर पाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेट सर्विस के अंदर जो प्रोवाइड आज करवाती है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करती हैं, हमारे जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए जिन सैटेलाइट्स का हम उपयोग आज के टाइम में करते हैं उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर से जानते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ पर लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमें जो टाइम लगता है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। हमारे डेटा को ट्रांसफ़र होने के अंदर लगभग 600 मिलीसेकंड लग जाते हैं। तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट रिवॉल्व करता है और इसी के बारे में, इसी को और ज़्यादा इस टाइम गैपिंग को कम करने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हमें आखिरकार इतने बड़े नेटवर्क की आवश्यकता क्या है, हमें क्या ज़रूरत है कि आज हम स्पेस इंटरनेट, इसका नाम है स्पेस इंटरनेट, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है एक तरीके से स्पेस इंटरनेट के तौर से जाना जाता है, तो आजकल के टाइम में हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की हमारी आधे से ज़्यादा सर्विसेज कहीं ना कहीं इंटरनेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। आज के समय में भी लगभग 4 बिलियन पीपल इस अर्थ के ऊपर ऐसे हैं जो एक एक रिलायबल, एक सही तरीके से इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ के ऊपर डिफरेंट टेरेन होने की वजह से, डिफरेंट सरफेस होने की वजह से, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करके हर जगह ये सुविधा को मुहैया करा सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग कुछ एक छोटी बहुत पॉपुलेशन आर्टिक सर्कल के आसपास रहती है, अंटार्कटिका के आसपास रहती है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इनका कवरेज इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इन लोगों को भी कवर कर सके। ये बेसिकली इक्वेटोरियल जोन के पास रहने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छी कवरेज प्रदान कर पाता है। तो बात करते हैं आखिरकार जो ये प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसका फ़ायदा क्या है। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर यदि हम सैटेलाइट को भेजेंगे तो वो सैटेलाइट की जो दूरी रहेगी अर्थ से वो लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी रहेगी, जबकि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो दूरी होती है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास रहती है। अब इसके इससे क्या होगा कि इससे अगर हमारा एक जो सैटेलाइट है अगर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, तो ये दूरी 2,000 किलोमीटर की होने की वजह से जो टाइम गैपिंग है उसको लगभग हम 95% तक कट कर सकते हैं और इससे हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट पे बेस्ड है ये हमारा कॉन्सेप्ट स्टारलिंक प्रोजेक्ट। अब ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ भी हैं। सबसे पहली खामी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 3 सैटेलाइट इनफ हैं पूरी अर्थ को कवरेज देने के लिए, पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर हम सैटेलाइट्स को प्लेस करें तो लगभग हमें 40,000 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ इस पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। तो इसके लिए जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, ये इसका सबसे पहला डीमेरिट होगा। दूसरा जो डीमेरिट है वो ये है
कि अर्थ के पास सैटेलाइट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी ताकि वो अपनी ग्रेविटी को मेंटेन कर पाए। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से जो डेटा ट्रांसफ़र है, जो कंसिस्टेंसी है, इसमें ब्रेकअप होने के चांसेस भी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें इसे एक नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं आपके कि इंटरनेट सर्विसेज जो स्पेस जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत मुहैया कराई जाएगी, इसके एम्बिशन प्लान जो है ये है कि ये 2021 तक इनका गोल है कि पूरी अर्थ पर ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें, जबकि 2020 तक इनका ये गोल है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर अपनी ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। जो ये 60 सैटेलाइट्स ये एक एक टाइम में भेज रहे हैं अपने फाल्कन रॉकेट के साथ, क्योंकि फाल्कन रॉकेट जो है वो काफ़ी हैवी रॉकेट है, ये 60 सैटेलाइट्स को वन गो में लेके जा सकता है, बिकॉज़ इन सैटेलाइट्स की जो थोड़े साइजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो इसकी वजह से ये हर एक इंटरवल पे ये 60 सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं और इस पूरी की पूरी अर्थ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही 400 सैटेलाइट इनके नेटवर्क जुड़ेंगे तो 400 सैटेलाइट के बाद ये सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ये एक तरीके से ये प्रोजेक्ट चालू होगा, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरीके से इंटरनेट का पूरा फेस बदल जाएगा, बिकॉज अर्थ पर हर जगह ये इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ किया जा सकेगा। एक छोटा सा डिवाइस होगा जिस डिवाइस को आप अपने पास रख सकते हैं और इस सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं इसमें एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है, ये इसका एक डिमेरिट नहीं है, बिकॉज़ इंटरनेट जब ये सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो इससे उनका रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा, जिसके कारण ये इसको कंपनसेट कर पाएंगे। पर इसके डिमेरिट की सबसे पहली बात अगर हम बात करें आज के टाइम में स्पेस डेब्रिस की है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ही समय पहले कि एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल को लॉन्च किया गया था, इस एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल को लॉन्च करते हुए भी यही बात आई थी कि इंटरनेशनल स्पेस में हमारी बहुत सारी जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके आसपास बहुत ज़्यादा डेब्रिस हो चुकी हैं, जिसके कारण ये एक प्रॉब्लम फ्यूचर में देखी जा सकती है कि इतनी ज़्यादा सैटेलाइट एक ही साथ होने में प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे सैटेलाइट डेब्रिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के तौर पे देखा जा रही है वो ये है कि अगर इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में अवेलेबल होंगे, वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो कहीं ना कहीं सिग्नल के अंदर ट्रांसफ्यूज़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और लाइट पॉल्यूशन को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लाइट पॉल्यूशन भी आज के टाइम में इन सैटेलाइट्स की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पर देखी जा रही है। तो आखिरकार सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसे तरीके से हम एक प्लान को लॉन्च करें ताकि हमें आगे की तरफ ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो में मेन कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।